क्या आप ये जानते हैं कि एफिल टावर की लंबाई कब बढ़ जाती है? क्या आप ये जानते हैं कि किस पक्षी का अंडा ट्रांसपेरेंट होता है? कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग से फैक्ट जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस रेड वाली बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको यहाँ मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त और होस्ट स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट स्पॉटलाइट में। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के स्टडीज में यह पाया गया कि हम 85% ऐसी चीजों को सोचते हैं जो कभी हो ही नहीं सकती हैं, और इसका मुख्य कारण ये है कि हम निगेटिव थिंकिंग करते हैं। जी हाँ, निगेटिव थिंकिंग के कारण ही हमें ऐसा सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। ये अभी आप वीडियोस में जो दो लोगों को देख रहे हैं, दरअसल कोको कोला बनाने का फार्मूला बस इन्हीं दोनों लोगों को पता है, और ये इस वजह से ये दोनों एक साथ कभी प्लेन में नहीं उड़ते हैं। ऐसा ये इनका रूल है। बिल मॉर्गन नाम का एक आदमी जो कि मर चुका था, क्योंकि डॉक्टर ने ऐसा कहा कि वो मर चुका है, लेकिन अचानक से 15 मिनट बाद ही वो जिंदा हो उठा, यानी वो जीवित हो गया था। तो वो काफी खुश हुआ, उसके फैमिली वाले भी काफी खुश हुए। अब वो घर जा रहा था, घर जाते समय रास्ते में उसे एक लॉटरी की दुकान दिखाई देती है। तो न जाने क्यों उसके अंदर से ये फील आया, यार आज का ना मेरा दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि आज तो मेरी किस्मत में मेरे साथ है, आज तो मैं जिंदा होके वापस आया हूँ, यानी मरने के बाद भी वापस फिर से जिंदा हो गया। तो लगता है मेरी किस्मत अच्छी है, मुझे एक बार किस्मत आजमाना चाहिए। तो बस फिर क्या, उसने इसी खुशी में एक लॉटरी खरीद ली। और आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि उसने जो लॉटरी खरीदी थी, उस लॉटरी में उसने गाड़ी जीती थी। जी हाँ, एक कार जीती थी। और बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, ये खबर को कवर करने के लिए न्यूज़ मीडिया वाले आ गए। तो किसी मीडिया वाले ने कहा कि भाई साहब, आप एक टिकट हाथ में लेके फ़ोटो खिंचवा लीजिए ना प्लीज़, जिससे खबर में जान आ जाए। तो बस फिर क्या था, उसने बगल की दुकान से एक लॉटरी और खरीद ली, बस सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए। लेकिन किस्मत देखिए, उस खरीदे गए लॉटरी में भी उसने 2,50,000 डॉलर जीते थे। इसे कहते हैं भाई किस्मत हो तो ऐसे ही हो। कहते हैं ना, ऊपर वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। पेरिस का एफिल टावर तो आप जानते ही होंगे वो कितना ऊंचा है, लेकिन आपको पता है गर्मियों में इसकी लंबाई 6 इंच तक और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि गर्म होने से लोहा फैल जाता है, यानी कि लोहा एक्सटेंड होता है, और यही कारण है कि गर्मियों के मौसम में एफिल टावर की लंबाई 6 इंच तक बढ़ जाती है। पेंगुइन एक ऐसा पक्षी है जिसके अंडे को अगर गर्म किया जाए तो ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अगर आपसे कहा जाए 0 से लेके 1,000 तक के नंबर में जो अल्फाबेट आते हैं, उनमें से आपको एक खोजना है, यानी एक कितनी बार आता है, तो आपको पता है इस पूरे अल्फाबेट यानी 0 से लेके 1,000 तक लिखने में जो आपको ए मिलेगा ना, वो बस एक ही होगा जो आपको मिलेगा 1,000 में। तो अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।